हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करेंगे इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं उनकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने 100 क्वेश्चन ये कर लिए थे, उसके आगे के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अगर आपको CTET, DSSSB या HTET कोई भी टीचिंग एग्जाम देना है, साइकोलॉजी जिसमें भी आएगी, वो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक बार ज़रूर पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन है जैसे 101, देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है अज्यूम करती है दैट वी शुड चेंज, ये ब्लैंक है, चेंज द टू फिट द, फिर उसके बाद ब्लैंक है, तो इनमें से ऑप्शन आने। ठीक है, क्या आएगा? चाइल्ड सिस्टम या सिस्टम चाइल्ड, इन्वायरमेंट फैमिली या चाइल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको, ठीक है, को के अनुरूप बदलना है। ठीक है, तो एक फिल इन द ब्लैंक इसमें आना है, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखे हैं, आपके लिए इजी है समझने में। क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन को समझना है, उसके बाद हमें रेस्पॉन्स करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या, टर्म क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है उसमें क्या है, जैसे एक ही क्लास के अंदर उसमें हर तरह का जो लर्नर हो, हर तरह का चाइल्ड हो, बिलो एवरेज हो, अबव एवरेज हो, एवरेज हो, ठीक है, डिसेबल पर्सन हो, सबको एक साथ पढ़ाया जाए, वही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, तो हमें देखना है इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम दैट वी शुड चेंज द, इसमें आएगा सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। ठीक है, जो कि एक ऐसा सिस्टम हम बनाएं, अगर सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो चेंज करें अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, जो चाइल्ड में फिट हो सके। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को चाइल्ड के अनुरूप बदलना है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls, ये कह रहा है, when जब teacher consider करे boys क्या है, better है mathematics में girls से, it shows that the teacher is, तो ये क्या show कर रहा है? ठीक है, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। ठीक है, तो किस तरह का अध्यापक है ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, सबसे पहली बात तो जहाँ गर्ल्स की बात हो रही है और बॉयज़ की बात हो रही है, ये दो टर्म है। ठीक है, ये किसने क्रिएट करी है, ये सोसाइटी ने क्रिएट करी है, सोसाइटी ने बनाया है बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है, लड़की लड़के, मैन वीमेन, ठीक है, औरत आदमी, ये सोसाइटी ने टर्म क्रिएट किए हैं। अगर बायोलॉजिकल हम देखा जाए, बायोलॉजिकल में खाली दो ही टर्म है, मेल या फीमेल। ठीक है, तो ये तो इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग इनमें जो होती है, बॉयज़ के काम अलग बढ़ जाते हैं और गर्ल्स के काम अलग बढ़ जाते हैं, तो ये क्या है, एक जेंडर है जो ये आया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये क्या है, जेंडर। ठीक है, ये जेंडर है, और ये जो मेल और फीमेल क्या है, ये सेक्स है। ठीक है, चलिए तो इसमें हमें देखना है, तो ये क्या है, ये जेंडर बाइस, जो टीचर सोच कर रहा है क्या कर रहा है, जेंडर बाइस शो कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका बी आंसर इसका सही होगा, एथिकल नहीं होगा, मोरलिस्टिक नहीं होगा, राइट माइंडेड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज म्यूजिक ऑन हिज कीबोर्ड, द क्लास टीचर थॉट दैट राघव सीम टू बी हाई इंटेलिजेंस। ठीक है, तो राघव क्या है, क्लास में म्यूजिक वो बहुत ही अच्छा प्ले कर रहा है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक बना रहा है। ठीक है, तो उसमें जो इंटेलिजेंस होगी वो किस तरह की इंटेलिजेंस होगी। ठीक है, कक्षा अध्यापक के राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा, कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उस तरह है, कौन सी बुद्धि उसमें ज़्यादा है, कौन सी इंटेलिजेंस उसमें ज़्यादा है, तो इनमें बात हो रही है स्पेशल बॉडीली काइनेस्थेटिक, म्यूजिकली, लिंग्विस्टिक, स्थानिक, शारीरिक, गलिबोधक, संगीतीय, भाषीय। ठीक है, ये जो हैं, ये टर्म जो किसने दी थी, ये हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो ये भी आपको याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो स्पेशल की बात करें, स्पेशल में क्या होता है, स्पेशल में जो आता है, जैसे पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, इमेजिनेशन आ जाता है, जैसे आर्टिस्ट होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, लाइन विजुअल,
ठीक है, विजुअल जो है विजुअल जो चीज़ें हैं ये आ जाती हैं इसमें, बॉडीली काइनेस्थेटिक में आ जाते हैं, एथलेटिक जितने भी बॉडीली मूवमेंट होते हैं बहुत ही अच्छे तरह से मूवमेंट होते हैं, जैसे बॉलिंग करना, बैटिंग करना, ठीक है, तो इसमें ये आ जाते हैं। म्यूजिकल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्लेइंग म्यूजिकल, तो इसमें जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी राघव में बहुत ज़्यादा होगी। लिंग्विस्टिक, ये एक भाषा से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा सी, इसका आंसर संगीतीय सही होगा। तो आपको टर्म याद रखनी है किसने टर्म कौन सी दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चाइल्ड एंटर्ड एजु सॉरी द चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, ठीक है, क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, एक्टिविटीज फॉर किड्स, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, बच्चों को एक कोने में बैठना, लर्निंग इन रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम अधिगम, एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, वे गतिविधियां परिवेश में अधिगम हैं। तो जो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होगी उसमें क्या होगा, उसमें तो होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, बच्चा खुद करके सीखता है, जो इसका जो ऑप्शन सही होगा ए, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच, ये जो डेवलपमेंट की जो स्टेजेज है, मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर रेदर देन, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चाइल्डहुड की बात हो रही है, अगर हम चाइल्डहुड की बात करें वो क्या होता है, 3 से 11 या 12 ईयर्स तक चाइल्डहुड पीरियड होता है, इसमें भी दो आ जाते हैं, ठीक है, 3 to 5 आ जाता है, ये आ जाता है अर्ली चाइल्ड, ये भी याद रखिएगा, ये पूछ लिया जाता है अर्ली चाइल्ड, ठीक है, और 6 to 12 या 11 बात कर लेते हैं हम, यह आ जाता है लेटर में और मिडिल में, और लेटर दोनों इसमें आ जाते हैं, मिडिल और लेटर लेटर स्टेज, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है मिडिल चाइल्डहुड की जो स्पीच होती है, बच्चा जो बोलता है वो किस तरह से बोलता है, क्या बोलता है, आपको फील करना है, जब इतना बड़ा बच्चा होगा, कितना 6 से 7-8 साल तक का जो बच्चा होगा उसका जो बोलने का तरीका क्या होगा, कैसा होगा, वो हमें देखना है, ठीक है। ईगो सेंट्रिक होगा या सोशलाइज होगा, अहन केंद्रित सामाजिकृत होगा, ठीक है, सॉरी ईगोसेंट्रिक ज़्यादा होगा किससे, सोशलाइज से, या सोशलाइज ज़्यादा होगा ईगोसेंट्रिक से, एनिमिस्टिक ज़्यादा होगा किससे, सोशलाइज से, या मैच्योर ज़्यादा होगा इमेच्योर से। तो हमें इसमें देखना है, ईगोसेंट्रिक की बात करें, ईगोसेंट्रिक में क्या करता है बच्चा खुद से जब वो खेलता है तो खुद से बातें कर रहा है, सेल्फ टॉक करता है, और जो उन्होंने कहा था वाइगोट्स्की ने, इसको प्राइवेट स्पीच कहा था, ठीक है, ठीक है। सोशलाइज, जो बच्चा ज़्यादा सोशलाइज हो, ठीक है, जो दूसरों से बातें करें इस तरह का, ठीक है। एनिमिस्टिक की बात करें, ठीक है, एनिमिस्टिक क्या है, ठीक है, एनिमिस्टिक है एक मतलब स्पिरिचुअल बीइंग जो होते हैं, बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है। अगर एनिमिस्टिक की बात करें, इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब है ब्रीथ एंड सोल, ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है, एनिमा ब्रीथ एंड सोल, ठीक है। सोशलाइज आप जानते हो, मैच्योर इमेच्योर, तो इसमें क्या होता है, जो मिडिल चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, ना कि सोशलाइज होता है, सोशलाइज से ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा, इन मिडिल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर ईगोसेंट्रिक सोशलाइज, मोर ईगोसेंट्रिक रेदर देन सोशलाइज, इसका जो ऑप्शन होगा ए, इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा, प्रोसेस चेंज होना, एग्जिस्टिंग स्कीमा का चेंज होना, टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन, जब न्यू इन्फॉर्मेशन आई बच्चे के माइंड में, जब न्यू इन्फॉर्मेशन आई तो उसके में जो स्कीमा बना हुआ था पहले से, ठीक है, वो एग्जिस्ट करा, उसका जो एग्जिस्टेंस था वो चेंज हुआ, क्योंकि उसको एकोमोडेट करने के लिए वो चेंज हो रहा है, जो न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है, जो कि ये दी थी कि इन्होंने प्याजे की टर्म है, टर्म बहुत ज़रूरी है आपको याद रखना, अगर आपको टर्म याद नहीं है, कॉन्सेप्ट उसका याद नहीं है, तो आप रेस्पॉन्स अच्छा नहीं कर सकते, आप गलत क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। प्याजे ने बात करी थी, एक अडेप्टेशन की बात करी थी, अडेप्टेशन क्या होता है, ठीक है, एसिमिलेशन की बात करी थी प्याजे ने, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन की बात करी थी प्याजे ने, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन है इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को फिट कर लेना, ठीक है, वही एक अडेप्टेशन है। कुछ भी ट्रीट है, किसी का कल्चर अडेप्ट कर लेना, ठीक है, जैसे आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर, वो तो अडोप्ट कर रहे हैं, अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं जैसे जितनी रिक्वायरमेंट हो उसमें ढल जाना, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें,
जिराफ होते हैं उनकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, क्योंकि वो उनकी जो था उनकी लंबी गर्दन इसलिए थी क्योंकि वहाँ पर उसको खाने के लिए बहुत ही जो पेड़ थे ऊंचे ऊंचे थे तो उनमें से उसको खाना पड़ता था, उसकी वजह से उसने अडेप्ट कर लिया। ठीक है, तो एक बात करें, अगर न्यू इन्फॉर्मेशन कोई आ रही है, एग्जिस्टिंग जो स्कीमा वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग जो स्कीमा वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो कहलाएगा एकोमोडेशन, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा एसिमिलेशन। तो याद रखिएगा चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी इसका सही होगा, एकोमोडेशन। ठीक है, समायोजन इसका जो आंसर है सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू असिस्टेंस, ठीक है, दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ कॉल्ड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो देखते हैं हमसे हिंदी वाले आओ, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगल बनाते हैं, इसे कहा गया। वयस्क लोग मतलब किसी असिस्टेंस के जरिए या फिर अपने पीयर ग्रुप के जरिए या फिर किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन के जरिए वो उसकी क्या है, उसकी सहायता कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या, स्कैफ होल्डिंग। ठीक है, क्या कहलाएगा, स्कैफ होल्डिंग, सहयोग देना। ठीक है, ये किसकी टर्म है, ये दी थी वाइगोट्स्की ने। ठीक है, ये वाइगोट्स्की ने दी थी। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट नहीं होगा, पार्टिसिपेटिव लर्निंग नहीं होगा, कोलैबोरेटिंग लर्निंग नहीं होगा, तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, सबको याद होगा डेवलपमेंट जो प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक करता है, इसका ऑप्शन जो होगा ए इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यर्स इज इन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यर्स प्याजे के अनुसार, अच्छा 2 से 7 वर्ष, यर्स 2 to 7 years, 2 to 7 years इन द स्टेज, कौन सी स्टेज है 2 to 7 years वाली जो प्याजे ने दी थी प्याजे के अनुसार। ठीक है, प्याजे के अनुसार 2 से लेकर 7 कौन सी स्टेज है। ठीक है, ये जो स्टेज होती है ये होती है 0 to 2 years सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 to 7 years। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है 7 to 11 या 12 years, और जो ये होती है 12 years to 17 या 18 years। तो याद रखिएगा ये पूछा है 2 से लेकर 7 वर्ष की जो स्टेज है वो प्याजे ने, उसका नाम क्या था, प्याजे ने उसका क्या नाम दिया था, उसका जो होगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संकेतात्मक। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज, शैशव काल की अवधि, सब लोगों को पता ही होगा शैशव काल की अवधि 0 to 2 years, ऑप्शन इसका बी सही है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट डू यू एग्री विद, ठीक है, कौन से स्टेटमेंट से तुम एग्री करते हो। ठीक है, इस कथन में से आप किससे सहमत हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, फर्स्ट है, अ चाइल्ड फेल होता है बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग इनफ टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज इन स्कूल, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी के संसाधन प्रदान नहीं कर रही। ठीक है, अ चाइल्ड फेलर कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली टू द जेनेटिक मटेरियल ही सी हैज एक्वायर्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, क्या बच्चा इसलिए फेल होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो फेल होते हैं। ठीक है, एक बच्चे को असफलता के लिए वंशाक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया हो। अ चाइल्ड फेल होता है, ए फेलर इज अ रिफ्लेक्शन ऑन द सिस्टम एंड इट्स इनएबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द चाइल्ड, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। या अ चाइल्ड फेलर इज प्राइमरीली ड्यू टू लैक ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस, एक बच्चे को असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा या आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। तो इनको ऑप्शन को पढ़ना है, अच्छे से समझना है कौन सा स्टेटमेंट इसका बेस्ट है। तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी इसका सही होगा, अ चाइल्ड फेल होता है रिफ्लेक्शन ऑन द सिस्टम, जो सिस्टम होता है
ठीक है, उस पर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं होता, उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है, इट्स इनएबिलिटी रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है चाइल्ड, उसकी वजह से बच्चा फेल होता है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो हमने करे हैं, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें एंड शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।